सीड्स कंटेन्स ऑल द स्टार्टिंग मटीरियल्स नेसेसरी टू डेवलप इन टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स इसीलिए दे आर एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस सीड्स आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ फाइबर इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पॉली पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं सीड्स को अगर हम अपनी हेल्थी डाइट में इंक्लूड करते हैं इट कैन हेल्प रिड्यूस ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर सीड्स से रिलेटेड लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कैन आई ईट रॉ सीड्स शुड वी सोक सीड्स बिफोर ईटिंग कैन आई ईट रोस्टेड सीड्स विच सीड्स शुड आई ईट डेली हाउ मच seeds should आई ईट डेली हाउ टू ईट seeds टू गेट मैक्सिमम benefits? एंड बेस्ट टाइम टू ईट seeds? अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को टैप करिए टू तो स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोज मैं हर वेनर्सडे को दो बजे एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ मेरा नाम है पंकज वेलकम टू माई चैनल लिव अ लाइव सबसे पहले हमें सीड्स के बेनिफिट्स और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है हम स्टार्ट करेंगे फ्लैक्स सीड्स से फ्लैक्स सीड्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर एंड ओमेगा थ्री फैट्स पर्टिकुलरली अल्फा लेनोलिक एसिड फ्लैक्स सीड्स में पॉलीफेनोल्स जैसे लिग्नैंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंटाऑक्सीडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लैक्स सीड्स के रेगुलर कंजम्पशन से एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है लिग्नेंस प्रेजेंट इन फ्लैक्स सीड्स आर फाइटो दैट आर सिमिलर टू द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेंस बिकॉज ऑफ दिस इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर इन वुमेन एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मैन ब्लड शुगर कम करने में हेल्प करता है और हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी कम करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्लैक्स सीड्स मैंने एक आउंस दैट इज 28 एट ग्राम्स ऑफ सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर करी है आप चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं चिया सीड्स चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स के सिमिलर ही होते हैं दे आर गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर एंड ओमेगा थ्री फैट्स अलॉन्ग विद नंबर ऑफ अदर न्यूट्रिय्स सीड्स की तरह चिया सीड्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स होते हैं इनका रेगुलर कंजम्पशन करने से बॉडी में अल्फा अल्फालेनोलिक एसिड बढ़ता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन भी कम होता है चिया सीड्स रेगुलरली खाने से आपका ब्लड शुगर भी कम होता है स्पेशली मेन मील्स के बाद चिया सीड्स खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है ब्लड शुगर के साथ साथ आपका एपेटाइट भी कम होता है और आपको हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी कम होता है अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी पीपल विद टाइप टू डायबिटीज इट वॉज फाउंड दैट थर्टी सेवन ग्राम्स डेली चिया सीड ट्वेल्व वीक्स तक खाने से ब्लड प्रेशर कम हुआ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स कम हुए और क्रिएटिव प्रोटीन सी भी कम हुआ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ चिया सीड्स मैंने वन आउंस दैट इज ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ चिया सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर करी है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हेम सीड्स हेम्प सीड्स आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन हैम्प सीड्स आर वन ऑफ द फ्यू प्लांट दैट आर कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज इसमें वो सारे एजेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू अदर प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हेम सीड में गामा लेनोलैनिक एसिड होता है विच इज़ एन इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड इसी वजह से कई लोग हेम सीड ऑयल सप्लीमेंट भी लेते हैं हेम सीड ऑयल हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स इन द ब्लड और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से एग्जेमा में भी हेल्प करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ हेम सीड्स मैंने वन आउंस दैट इज ट्वेंटी एट ग्राम ऑफ हेम सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर करी है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सेसेमेसीड्स सीड्स एशियन और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली यूज होती हैं सीड्स की तरह सीड्स में भी लिग्नेन्स होते हैं जिनको हम सेसेमिन बोलते हैं एंड सेसेमेसीड्स आर द बेस्ट नॉन डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिग्नस सीड्स में जो सेसमिन होता है उसको हमारा गड बैक्टेरिया एक अलग टाइप के लिग्न में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम एंटोलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंटोरोलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक द सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड लोअर लेवल ऑफ दिस हॉर्मोन कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज एंड ब्रेस्ट कैंसर

पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स का रेगुलर कंजम्प्शन किया है उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो गया है अकॉर्डिंग टू अनदर स्टडी ऑन चिल्ड्रन जिन बच्चों ने पंपकिन सीड्स का रेगुलर कंजम्प्शन किया है उनको ब्लैडर स्टोन होने का रिस्क भी बहुत कम हो गया है बिकॉज इट रिड्यूसिस कैल्शियम इन द यूिन पंपकिन सीड यूराइनरी डिसऑर्डर्स और प्रोस्टेट में भी हेल्प करता है पंपकिन सीड ऑल रिड्यूसिस सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्टिव ब्लडर एंड हेल्प मैन विथ लार्ज प्रोस्टेट इन पोस्ट मेनोपोजर वुमेन पंपकिन सीड्स से ब्लड प्रेशर कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पंपकिन सीड्स मैंने वन आउंस ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ पंपकिन सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर करी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सनफ्लावर सीड्स सनफ्लावर सीड्स में बहुत अच्छे अमाउंट में मोनो फैट्स प्रोटीन और विटामिन ई e होता है सनफ्लावर सीड्स रेगुलरली कंज्यूम करने से मिडिल एज और ओल्ड एज के लोगों को इन्फ्लेमेशन कम होता है और हार्ट डिजीज होने का रिस्क भी बहुत कम होता है सनफ्लावर सीड्स वीक में पांच बार कंज्यूम करने से सी आर पी क्रिएटिव प्रोटीन का लेवल कम होता है जो इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रीजन है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड ऑन वीमन हु एट थर्टी ग्राम्स ऑफ सनफ्लावर सीड्स फॉर थ्री वीक्स उनका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो गया और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो गया न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ सनफ्लावर सीड्स मैंने एक आउंस ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ सनफ्लावर सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू शेयर करिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नाउ यू नो द बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सीड्स टाइम टू आंसर योर क्वेरीज कैन वी ईट रॉ सीड्स सीड्स में डायटरी फाइबर होता है और हमारी बॉडी फाइबर एब्जॉर्ब नहीं करती इसके आउटर लेयर पे फाइटिक एसिड होता है जिससे हमारा एब्सॉप्शन अफेक्ट होता है और दूसरे एजेंशियल मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और इसी वजह से हमारा डाइजेशन भी अफेक्ट होता है इसीलिए हमें कभी भी सीड्स रॉ नहीं खाने चाहिए शुड वी ईट सोक्ड सीड्स सीड्स बहुत ही न्यूट्रेंट डेंस होते हैं बट इनकी आउटर लेयर पे फाइटिक एसिड होता है जो न्यूट्रेंट इनहिबिटर का काम करता है मतलब ये दूसरे एजेंशन मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता जब हम सीड्स को सोक करते हैं तब ये न्यूट्रेंट इनिवेटर वाटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें सीड्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ईजियर हो जाता है इसलिए जब भी आप सीड्स खाएँ तो सोक करके ही खाएँ कैन आई ईट सीड्स डेली यस हम डेली सीड्स खा सकते हैं अगर आप डेली नहीं खा पा रहे तो आप एक वीक में पाँच बार तो आराम से सीड्स खा सकते हैं विच सीड्स शुड आई ईट डेली देखिए सीड्स को परफेक्ट कॉम्बिनेशन में खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके एंड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स हेम्प सीड्स पम्पकिन सीड्स सनफ्लॉर सीड्स एंड सेसमे सीड्स हाउ मच सीड्स कैन आई ईट डेली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीड्स बहुत ही न्यूट्रियन डेंस होते हैं और इनमें कैलरीज भी बहुत होती हैं इसीलिए आपको लिमिटेड क्वान्टिटी में ही खाना चाहिए आप एक दिन में दो टेबल स्पून सीड्स खा सकते हैं देट इज़ फ्रॉम फिफ्टीन टू थर्टी ग्राम्स आप कंज्यूम कर सकते हैं डेली इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कैन वी इट रोस्टेड सीड्स यस डेफिनेटली वी कैन ईट रोस्टेड सीड लेकिन ये सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है द फर्स्ट ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू इट सोक्ड सीड्स लेकिन विंटर्स में आप रोस्टेड सीड्स खा सकते हैं लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉल्ट ऐड नहीं करना और आप अगर चाहें तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं और वाटर और मिल्क के साथ भी ऐड कर सकते हैं हाउ टू ईट सीड्स फॉर मैक्सीम बेनिफिट्स सीड्स खाने का सबसे सही तरीका है कि आप सीड्स को सोख करके खाएँ इससे आपका डाइजेशन भी अफेक्ट नहीं होगा आपका न्यूट्रेंट एप्स ऑप्शन भी अफेक्ट नहीं होगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे वॉट इज द बेस्ट टाइम टू ईट सीड्स सीड्स खाने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एम्टी स्टमक बिफोर वर्कआउट इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी और पावर मिलेगी फॉर योर वर्कआउट आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली आसमी इन द कॉमेंट बॉक्स सो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही रखते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को टैप करिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोज सो फ्रेंड्स लिव अ लाइव टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ईट हेल्दी स्टे हेल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग